हेलो बच्चों हम बात करने वाले हैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो बायोलॉजी की भाषा के नाम से जाना जाता है और वो है आनुवंशिक कूट जिसे हम जेनेटिक कोडॉन कहते हैं सो so स्टार्ट करते हैं जेनेटिक कोडॉन क्या है तो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया एक वर्ड कि बायोलॉजी की भाषा भाषा आप जानते ही लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज है है ना हिंदी की लैंग्वेज है जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में आप देखते हैं आप अल्फाबेट देखते हैं ए बी सी डी और ये ए बी सी डी जो लेटर हैं है ना ये जो लेटर हैं ये अक्षर जो होते हैं ये मिलकर क्या बनाते हैं शब्द बनाते हैं जैसे ए पी पी एल ई एप्पल है ना तो इसी तरह से हिंदी में भी आप देखते हैं कि हिंदी में भी अक्षर होते हैं जिसे वर्णमाला कहते हैं अ आ ई ई ना ऐसे करके और यही शब्द यही वर्ड जो है यही जो लेटर्स जो है ये मिलकर क्या बनाते हैं शब्द बनाते हैं जैसे आम अब आप है ना तो इसी तरह से बायोलॉजी की भी एक भाषा होती है है ना अब ये बायोलॉजी की भाषा क्या है देखते हैं और इसमें आनुवांशिक कूट किस तरह से बनते हैं किस तरह से होती है जस्ट इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं तो आनुवांशिक कूट के बारे में क्या कह सकते हैं आनुवंशिक कूट क्या होता है एक्चुअली तो मैं कहता हूं कि सर आनुवंशिक कूट का मतलब है डीएनए अथवा आर पर लिखी एक भाषा लैंग्वेज एक भाषा जैसे आप देखते हैं लेटर लेटर्स जिन्हें अक्षर कहते हैं अक्षरों को अगर आप यह अक्षर डीएनए में देखते हैं अगर आप डीएनए में देखते हैं तो आपको किस तरह से मिलते हैं आ, टी सी इस तरह से मिलते हैं सी ए जी टी सी एजी अगर इसी तरह से हम बात करें इसी से रिलेटेड इज आरएनए की बात करें आर एन ए पर तो आप आर एन ए पर देखते हैं यू सी एजी ये लेटर है ये अक्षर है और ये अक्षर मिलकर क्या बनाते हैं इन्हीं अक्षरों से मिलकर बनते हैं शब्द क्या बनते हैं शब्द जिनको आप वर्ड्स कहते हैं शब्द बनते हैं राइट शब्द अगर देखा जाए तो यहां शब्द कितने बनते हैं आप कहते हैं टोटल फोर टोटल कितने शब्द बनते हैं आप कहते हैं चौसठ शब्द बनते हैं यस कितने शब्द बनते हैं आप कहते हैं यहां पर सिक्सटी फोर वर्ड्स बनते हैं है ना अच्छा इन 64 वर्ड्स में आप देखते हैं 61 जो होते हैं 61 जो वर्ड्स हैं है ना इनका तो एक मीनिंग निकलता है इनका एक अर्थ होता है ठीक है अर्थ होता है मीनिंग होता है इसलिए इनको कह दिया जाता है कोड है ना या कोडॉन दैट इज जेनेटिक कोडॉन इनको हम जेनेटिक कोडोन या आनुवंशिक प्रकूट कह देते हैं आनुवंशिक प्रकूट कह दो कूट कह दो, कोड कह दो कहा जाता है जबकि तीन ऐसे इसमें से तीन ऐसे वर्ड होते हैं तीन जो वर्ड्स हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं होता है, है ना जिनका कोई आप कहते हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं होता है है ना और इनको हम कह सकते हैं नॉन सेंस नॉन सेंस कोड कह देते हैं निरर्थक कूट कहते हैं निरर्थक निरर्थक इनको हम क्या कह देते हैं निरर्थक प्रकूट या कूट कह देते हैं तो मैं जो बताना चाहता हूं वो आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं बायोलॉजी की भाषा बायोलॉजी की भाषा में बात कर रहे हैं हम लोग कैसे आप देखते हैं कि एक कोशिका है उसमें डीएनए होता है आनुवंशिक पदार्थ जिसे आप कहते हैं और इस आनुवांशिक पदार्थ के आधार पर किस तरह से एक प्रोटीन बनता है और वो लक्षणों के रूप में डेवलप होता है तो उसी भाषा पर मैं आपको यहाँ पर उस जेनेटिक कोडोन का जो बेसिक है है ना इसका जो बेसिक है इस बेसिक की बात कर रहा हूँ जेनेटिक कोडोन का बेसिक जो है उसकी बात कर रहा हूँ सबसे पहले तो आपने देखा कि बायोलॉजी की भाषा बिल्कुल है ना हमारी हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज से जैसी ही ठीक है तो ये समझ में आया आपको यहां पर आ, सबसे पहले अपने शब्द देखे लेटर्स देखे और उनसे वर्ड्स कैसे बनते हैं वो भी देखे इस ये पूरी स्टोरी आप अभी देखने वाले हैं अब बच्चा कहता है कि सर मुझे ये समझ में आ गया आपका कहना कि आपने कहा कि जैसे हिंदी और अंग्रेजी भाषा के अंदर अक्षर या लेटर्स जो होते हैं मिलकर शब्द बनाते हैं उसी तरह से यहां पर ये जो आप डीएनए और आरएनए के ऊपर ये जो आप देख रहे हैं ये क्या चीज है आप कहते हैं सर ये हैं न्यूक्लियोटाइड ये क्या है न्यूक्लियो न्यूक्लियोटाइड है न्यूक्लियोटाइड इन न्यूक्लियोटाइड बिल्कुल ये न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं ये अक्षर के रूप में होते हैं और ये मिलकर इन जब न्यूक्लियोटाइड एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड मतलब तीन तीन के न्यूक्लियोटाइड्स या जिस तरह से समूह के अंदर जब ग्रुप में आते हैं तो वो क्या बनाते हैं एक शब्द बनाते हैं एक वर्ड बनाते हैं उसी को क्या कहा जाता है उसी को जेनेटिक कोडॉन कहा जाता है 64 वर्ड्स बनते हैं टोटल है ना ग्रुप बनते हैं सिक्सटी ग्रुप बनते हैं जिनमें से सिक्सटी जो होते हैं उनका कोई मीनिंग निकलता है और वो उनको जेनेटिक कोडॉन कहा जाता है जबकि जो मीनिंग तीन होते हैं वो मीनिंग होते हैं और मीनिंग होते हैं उनको निरर्थक कोड कहा जाता है नॉन सेंस कोडॉन कहा जाता है अब बच्चे के मन में प्रश्न आता है तो सर जेनेटिक कोडोन की परिभाषा क्या होगी आनुवांशिक कर सकते हैं तो आनुवांशिक डीएनए या आरएनए अणुओं में स्थित न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम अभी हम यही बात कर रहे थे न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम जिसमें प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण के संदेश निहित होते हैं बिल्कुल प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण के संदेश निहित होते हैं आप बेसिकली जानते हैं आप बेसिकली जानते हैं कि जो डीएनए है उस डीएनए के अंदर एक सीक्वेंस होती है आप देखते हैं इसी तरह की सीक्वेंस होती है डीएनए एक सीक्वेंस होती है आप कहते हैं इसको मैंने इस तरह से अगर कर दिया ली चलो ठीक है सीक्वेंस होती है डीएनए सीक्वेंस होती है इस तरह की है ना राइट डीएनए के अंदर सीक्वेंस होती है और बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन के माध्यम से यह आनुवांशिक सूचना जो होती है इस आनुवांशिक सूचना को एम आर एन ए के रूप में बदल दिया जाता है फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम आप जानते हैं यहां से आप बना देते हैं एम आर एन ए और ये जो इसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है जैसे आप यू सी ए जी है ना इस तरह से आप देख सकते हैं ये जो सीक्वेंस है यू सी ए जी जी सी यू ये ये आगे जाके इसी के बेसिस पर आप देखते हैं क्या बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन अनुवादन के माध्यम से स्थानांतरण के माध्यम से प्रोटीन का निर्माण किया जाता है और ये प्रोटीन क्या होता है एक्चुअली प्रोटीन दैट इज ये एक पॉलीपेप्टाइड अनुक्रम होता है पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड सीक्वेंस होती है है ना इट इज अ सीक्वेंस ये एक पॉलीपेप्टाइड अनुक्रम होता है तो एक्चुअली इसी प्रोटीन के आधार पर हमारे अंदर लक्षण डेवलप होते हैं तो आप क्या कह सकते हैं कि डीएनए आरएनए अणुओं में स्थित न्यूक्लियोटाइड है ना ये न्यूक्लियोटाइड है 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 ना ये न्यूक्लियोटाइड आप जानते हैं डीएनए आरएनए दोनों में चार चार न्यूक्लियोटाइड होते हैं है ना जो कि नाइट्रोजन शारकों के ऊपर निर्भर करते हैं न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम है जिसमें प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण के संदेश निहित होते हैं जो प्रोटीन बनेगा वो प्रोटीन इसमें पाई जाने वाली इसी इसी सीक्वेंस के बेसिस पर निर्धारित होगा चलिए आगे बात करते हैं अब बात ये आती है कि ये जो आनुवांशिक कूट है इनके बारे में कैसे पता चला है ना कैसे किस तरह की स्थिति डेवलप हुई मतलब कैसे पता चला तो एनसीआरडी की कुछ लाइनें हैं डीएनए की संरचना व आनुवांशिक पदार्थ के जैव रासायनिक प्रकृति का निर्धारण जितना उत्तेजनापूर्ण था

उससे ज्यादा आनुवांशिक कूट का अर्थ निकालना व प्रस्ताव करना चुनौतीपूर्ण था उससे ज्यादा यह ज्यादा चैलेंजिंग था कि आप जेनेटिक कोडोन का अर्थ निकालें मतलब कोड को डिकोड करें कि इसका मतलब क्या है इसका क्या अर्थ है सही अर्थों में इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों के वैज्ञानिकों ने चाहे वो भौतिक विद ना चाहे वो कार्बनिक रसायन विद हो चाहे वो बायो मतलब जैव रासायन विद्य हो बायोकेमिस्ट हो आनुवांशिक विद हो है ना के सहयोग की आवश्यकता थी इन सभी ने मिलकर इसको देखा जॉर्ज गैमो जिसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है किसका जॉर्ज गैमो का ये बात आपको ये नाम याद रखना है जॉर्ज गैमो ये एक भौतिक विद थे इनका विचार था कि यदि शार यदि शार केवल चार हैं तो इन शार मतलब ये कौन से शार की बात कर रहा है नाइट्रोजनी बात कर रहा है नाइट्रोजन बेस की बात कर रहा है नाइट्रोजनी शार केवल चार हैं, केवल चार हैं कौन से चार यू, सी, ए जी है ना केवल चार हैं, तो इन उन बीस अमीनो अम्ल का कूट लेखन किस रूप में होता है अतः कूट के निर्माण में शारों का समूह बनता है ये लास्ट लाइन जो है बहुत इंपोर्टेंट रही जिसमें क्या कहा गया जिसमें ये कहा गया कि जो आनुवांशिक हैं उनके निर्माण में शारों का समूह चाहे तो आप नाइट्रोजनी शार कह दो चाहे आप आगे जाके वो नाइट्रोजनी शार जब अः पेंटो सुगर और फॉस्फेट से जुड़ जाएंगे तो न्यूक्लियोटाइड बन जाएंगे है ना शारों का समूह बनता है तो अगर आप चार इनको मानते हैं नाइट्रोजनी बेस चार मानते हैं और प्रकृति के अंदर आप देखते हैं अगर हम स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड या जिनको हम क्या कह सकता हूं अगर मानक अमीनो अम्लों की बात करें अगर हम मानक अमीनो अम्लों की बात करें अमीनो अम्लों की बात करें तो मानक अम्लो अमीनो अम्ल कितने हैं बीस बीस अमीनो अम्ल है स्टैंडर्ड एमिनो एसिड कितने हैं ट्वेंटी अमीनो एसिड है तो अगर यहां कल्पना की जाए कि एक नाइट्रोजन शार एक अमीनो एसिड को कोड करता है है ना तो इस तरह से आप देखेंगे कितने बनेंगे आप कहेंगे चार नाइट्रोजन बेस हैं चार न्यूक्लियोटाइड हैं तो इनसे चार ही बनेंगे चार ही बनेंगे लेकिन टोटल बीस हैं बाकी के सोलह कैसे बने बाकी के सोलह कैसे बने तो ऐसी स्थिति में इन्होंने एक बात बोली कि देखो भाई देखो क्या बोला इनका विचार था कि सभी 20 अमीनो अम्ल का कूट, कूट हेतु कोड तीन न्यूक्लियोटाइडों के बने होते हैं सबसे पहले अगर आप देखें कि सिंगलेट की फॉर्म देखें सिंगलेट है ना अगर आप सिंगलेट फॉर्म में देखें सिंगलेट मतलब ये सिंगलेट का मतलब ये हो गया कि अगर आप चार को माने आप कितने माने चार माने और चार क्या माने आ, यहां पर आपके पास में चार कोड है चार कोड बने कौन से चार सिंगलेट मतलब चार क्या है यू सी ए जी है ना ये कितने हो गए चार फोर यू सी हूं तो चारों से माने तो कितने ये चार एमिनो एसिड को कोड करेंगे चार एमिनो एसिड को कोड करेंगे ऑब्वियसली बात सेकेंड बात क्या आती है यहां से अगर आप इसको डबलेट मान के चलें तो डबलेट मान के चलते हैं तो कैसी स्थिति बनती है देखिएगा ये आपको मैंने डबलेट फॉर्म में लिख दिया मतलब द्विख के रूप में डबलेट द्विख के रूप में तो चार इंटू चार बराबर कितने हो गए कितने हो गए 16 है ना 16 कोड बन गए यहां पर और ये 16 कोड कितने एमिनो एसिड को कोड करेंगे आप कहते हैं 16 एमिनो एसिड को कोड करेंगे तो रेस्ट ऑफ जो चार हैं वो कहां से आएंगे तो जॉर्ज गैमो ने बताया ऐसी स्थिति में कि ये जो ये जो कोडोन होते हैं ये किस रूप में होते हैं ट्रिपलेट फॉर्म में होते हैं ट्रिपलेट या हम कहें त्रिक के रूप में होते हैं और ट्रिपलेट में आप क्या करते हैं 4 4 को थ्री टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल आपके पास में कितने कोड बनते हैं आप कहते हैं 64 कोड बनते हैं और ये 60 कोड फोर जो कोड जो हैं ये 20 अमीनो एसिड को कोड करते हैं आसानी से 20 अमीनो एसिड को कोड करते हैं याद रखना 20 एमिनो एसिड को कोड करते हैं तो यह बात निकल के आ गई भाई कि ये ट्रिपलेट फॉर्म में होते हैं तीन तीन के ग्रुप में होते हैं ठीक है जॉर्ज ने ये बात स्पष्ट कर दी कि किस फॉर्म में होते हैं आप कहते हैं फॉर्म में होते हैं ओके चलिए नाउ ध्यान देना आगे बात करते हैं आगे बात करते हैं नेक्स्ट तो इन्होंने ये बात क्लियर कर दी कि उत्परिवर्तन समुच्चय में 64 फोर कोडोन का निर्माण हुआ जिससे बनने वाले कोड आवश्यकता से अधिक थे लेकिन प्रकूट त्रिक होते हैं इसका प्रमाण देने देना अत्यधिक कठिन कार्य था अब आगे बात देखिएगा नेक्स्ट बात जो आती है वो इंपोर्टेंट बात पर चलते हैं ये बात तो क्लियर हो गई कि भाई तीन तीन के ग्रुप में होते हैं तीन तीन जिनको ट्रिपलेट कहते हैं त्रिक कहते हैं तो आनुवंशिक कूट कैसे होते हैं ट्रिपलेट होते हैं त्रिक होते हैं जॉर्ज गैमोजी ने यह बात साबित कर दी थी नाउ एक बहुत इंपोर्टेंट अब पार्ट आता है दैट इज क्रैकिंग ऑफ जेनेटिक कोड ऑन अब आपके पास में जो जेनेटिक कोड थे जेनेटिक कोड कोड बने बने 64 बने, अब हमा, हमारे लिए चैलेंजिंग ये था कि हम इन कोड को डिकोड कैसे करें इनके बारे में कैसे जाने इनको क्रैक कैसे करें तो इसके लिए सबसे पहले निरैन बर्ग और मिथाई मार्शल निरैन और मैथाई मथाई इन्होंने क्या किया इन्होंने ध्यान देना मेरी बात समझना इन्होंने क्या किया मार्शल निरेनबर्ग, नीरेनबर्ग निरेन, बर्ग एंड मथाई इन्होंने दो चीजें ली एक तो इन्होंने एक सम बहुलक। जिसे हम बोलते हैं होमो पॉलीमर होमो पॉलीमर जैसे होमो मतलब एक समान जैसे आप देखते हैं यू आ, यू मतलब यूरिसेल हो गया तो यूरिडिन ट्राइफॉस्फेट एक होमो पॉलीमर है जिसका नाम है यूरिडिन ट्राइफोस्फेट ऐसा ही एक और है इन इसके अलावा एक एंजाइम जिसका नाम है सेवेरो सेवेरो, ओकोआ, एंजाइन नाम क्या है सेवेरो, ओकोआ, ओचोहा भी लिख सकते हैं ओचोहा भी आ सकता है ओकोआ एंजैन एंजाइन ठीक है एंजाइम जो है ना यह एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और सारी एनसीआरटी में बातें दे रखी है इन सब के बारे में यह एंजाइम क्या करता है यह क्या करता है बिना डीएनए टेम्पलेट के बिना डीएनए टेम्पलेट के बिना डीएनए टेम्पलेट के एमआरएनए का बहुलीकरण कर सकता है बहुलीकरण जिसको हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन 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 कर सकता है बहुलीकरण कर सकता है इन्होंने ये काम में लिया ठीक है समझे बात को तो एनसीआरटी में लिखा हुआ है कि प्रोटीन संश्लेषण हेतु मार्शल निरन बर्ग और मेथाई की कोशिका की कोशिश स्वतंत्र रूप Uh, स्वतंत्र तंत्र कूट का अर्थ मतलब क्रैकिंग ऑफ जेनेटिक कोड निकालने में काफी सहयोगी रही तो पहले तो निरेन बर्ग जी की बात करते सबसे पहले निरें बर्ग जी और मैथाई जो थे इन्होंने काम किया अब कैसे किया देखो बता देता हूं मैं आपको इन्होंने इस तरह से आ, एक तो लिया क्या बोला मैंने होमोपोलीमर होमोपोलीमर दैट इज यू टी भाई यूरिडिन ट्राइफॉस्फेट यूटीपी यू यूटीपी यू, यू टी पी इस तरह से काम में लिया और इसके अंदर मिलाया एंजाइम इसके अंदर डाला एंजाइम कौन सा आप कहते हैं सेवेरो ओकुआ अक, अको, एंजाइम अगर आप एनसीआर हिंदी मीडियम की बात करोगे तो वहां पर इस का नाम थोड़ा सा गलत है ध्यान रखना इंग्लिश में नाम जो है सही होना चाहिए सेवेरो ओकुआ एंजाइम अभी इसके बारे में बताएंगे एनसीआर क्या लिखा हुआ है राइट right? क्या होगा भाई क्या होगा ये एंजाइम क्या बनाएगा ये एंजाइम एमआरएनए बनाएगा ये एंजाइम क्या बनाएगा आप कहते हैं ये एंजाइम एम आर ए बनाता है फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम एम आर ए बनाता है और उसमें क्या सीक्वेंस आती है भाई यू इस तरह की सीक्वेंस आती है यू टी पी है ना यू टी पी है तो एक जैसा एंजाइम बनता है दैट इज क्या बनेगा यू, यू 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 इस तरह की इसमें ये स्थिति बनती है ध्यान देना राइट इस तरह की स्थिति बनती है और बाद में जाके इससे जो आपने प्रोटीन बनाया इससे आगे जाके क्या होगा इसका ट्रांसलेशन होगा भाई इसका ट्रांसलेशन होगा या जिसे हम अनुवादन कहते हैं अनुवादन होता है ये क्या बना ये एम आर एन ए था और यहां से बनी क्या पॉलीपेप्टाइड यहां से बना पॉलीपेप्टाइड अनुक्रम सीक्वेंस पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस बनी और ये खास बात क्या है इस तरह से सबसे पहला यू यूयू यू, भाई इसको मैं इस तरह से दिखा सकता हूं देखो ये एमआरए कैसा बना देख लो फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन और ये MRN कैसा है यहां इसके ऊपर इस तरह से है। यू यू यूयू यू, यू, ये, ये वाली सीक्वेंस है। तो ये यू 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 किसको कोड करता है आप कहते हैं पहला सबसे पहले फर्स्ट सबसे पहले पता चला ये फिनाइल फिनाइल या फेनिल एलानिन को फेनिल बोल दो या फिनाइल कह दो फिनाइल एलानिन एलानिन एमिनो एसिड को क्या करता है कोड करता है इस तरह से जो पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस बनी वो कैसी बनी पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस तो आप देखेंगे वो पहली पेप्टाइड सीक्वेंस होनी दैट इज पी एच ई इसको शॉर्ट में कोड करते हैं ऐसे पी एच ई ये देखो एमिनो एसिड की इस तरह की चेन बनेगी पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं जिसमें एक ही ये क्या है पॉलीपेप्टाइड अनुक्रम है पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस है जिसमें एक ही है ना भाई फिनाइल एलानीन का कोड क्या है पी एच ई इसको पी एच ई कोड कहते हैं तो सबसे पहला यहां पर आप देख सकते हैं एक होमो पोलोमर का यूज करके निरैन वर्ग और मथाई जो थे उन्होंने क्रैकिंग ऑफ जेनेटिक कोडोन के अंदर यू 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 का मतलब बताया कि इसका मतलब क्या है फेनिल एलानिन है ठीक है तो इससे एक इस तरह से डिकोडिंग हुई आया समझ में तो पहली बात तो ये हो गई इनका कॉन्ट्रीब्यूशन अब हमारे यहां पर एक भारतीय जो है वैज्ञानिक, वैज्ञानिक नाम था हरगोविंद खुराना जी हरगोविंद खुराना जी ने निश्चित शारों समलक या सह बहुल एक देखो जैसा कि मैंने अभी यूज में लिया था दैट इज यू टीपी है ना जैसे का मतलब क्या एक समान एक समान जैसे यूटीपी ओनली केवल यूटीपी और सह बहुलक जिसको को कहते हैं, को है विषम होते हैं, विषम प्रकार के होते हैं यूटीपी सी मतलब एक से ज्यादा लिए उन्होंने याद रखना कि युक्त आर्य अणुओं के संश्लेषण की रासायनिक विधि का विकास किया था देखो मैं एनसीआरटी की लैंग्वेज जो भाषा दे रखी है ना हमारी एनसीईआरटी में उस एनसीईआरटी की भाषा को भी आपको रिकॉर्ड कर रहा हूं समझा रहा हूं कि ये क्या कहना चाहता है तो पहली तो निरें बर्ग जी की बात हो गई अब इसके बाद में नेक्स्ट दूसरी बात जो है वो हर गोविंद जी की देखते हैं कि हर गोविंद हर गोविंद खुराना जी ने क्या किया खुनारा लिख दिया मैंने खुराना ठीक है हरगोविंद खुराना जी ने क्या किया हरगोविंद खुराना जी ने याद रखिएगा सहबहुलट इज को पोलिमर को पोलीमर इसको हम कोपोलिमर के साथ साथ इसको क्या बोल सकते हैं दैट इज विषम बहुलक भी कह सकता हूं इसे क्या कह सकता हूं विषम बहुलक भी कह सकता हूं विषम बहुलक दैट इज हेट्रो पॉलीमर और हेट्रोपोलिमर में क्या आते हैं जैसे यूटीपी यूरिडिन ट्राइफ और सी साइट साइटिडिन ट्राइफॉस्पेट इन्होंने इस तरह से दो काम में लिए ठीक है और वही सेम चीज सेम बात बिल्कुल वही बात साथ में दूसरा कौन लिया तो इन्होंने वही एंजाइम दैट uh, इज uh, कौन सा एंजाइम था ओकोआ एंजाइम सेवेरो ओकोआ एंजाइम राइट ये काम में लिया अब किस तरह से किया था एक्सपेरिमेंटली भी देख लेते हैं उसको एक्सपेरिमेंटली देख लेते हैं कैसे ये देखिए यहां दोनों चीज आ गई इन्होंने सहबहुलक सह इज क्या क्या काम में लिए यहां ही लिख देता हूं यू टी पी सी है ना यूटीपी सी इस तरह से काम लिए और साथ में सेवेरो एंजाइम सेवेरो ओकोआ, ओचुआ भी लिखा मिलता है कई जगह आप देखेंगे कई जगह आपको ओचुआ भी मिल जाएगा ओकोआ, ओचुआ भी मिल जाएगा राइट क्या होगा आप कहते हैं सर एम आर एन ए बनेगा एमआरएन ए बना फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम अब उसमें क्या था यू सी यू सी यू सी ये सीक्वेंस प्राप्त हुई सीक्वेंस कैसी प्राप्त हुई एमआरएनए में 5 प्राइम टू 3 प्राइम एमआरएनए सीक्वेंस प्राप्त हुई यू सी यू सी यू सी इस तरह की सीक्वेंस प्राप्त हुई यू बोलो समझ में आया जब इसका ट्रांसलेशन होता है जब इसका ट्रांसलेशन होता है अनुवादन होता है ट्रांसलेशन होता है तो इस ट्रांसलेशन से क्या बनता है आप कहते हैं पॉली पैप्टाइड श्रृंखला क्या बनता है इससे पॉलीपेप्टाइड श्रंखला श्रृंखला बोलते हो इस पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की एक खास बात थी इस पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की खास बात क्या थी आप कहते हैं इसमें दो चीज मिली इनको एक तो मिला इनको यहां पर आ, सीरीन और एक मिला इनको देखो सी यू सी एक तो मिला सी यू सी और एक यू सी यू है ना तो दो मिले एक तो देखो यहां पर इनको क्या सीक्वेंस मिले सी यू सी मिला और एक सी ठीक है भाई तो दो कोड मिले ना इनको पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में इनको क्या कोड मिलेंगे इनको मिले एक तो कोडोन था यहाँ पर साइड में लिखता हूं देखो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में क्या होते हैं दो कोड रहते हैं और ये दोनों कोड पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का मतलब क्या है प्रोटीन शंक्रा, प्रोटीन शंक्रा की बात कर रहे हैं तो एक तो होता है जो ल्यूसिन को कोड करता है है ना एक तो किसको कोड करता है ल्यूसिन को कोड करता है दूसरा सीरीन को कोड करता है फिर ल्यूसिन को कोड करता है फिर सीरिन को कोड करता है, है ना इस तरह से है तो यहां पर आप लिखते हैं सी यूसी किसके लिए कोड करता, किस को करता है आप कहते हैं को कोड करता है तो इस तरह से आपको पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला प्राप्त हुई और यह पॉलीपेप्टाइड कैसी थी होमो नहीं थी यह विषम विषम पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला थी ध्यान रखना है विषम पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला देखने को मिलती है राइट तो इस तरह से एक एक करके इस तरह शुरुआत हुई एक-एक करके कोडिंग जैसे पहले यू 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 का पता चल गया यू 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 व्हिच इज कोड फॉर फिनाइल एलानिन फिर सी यू सी कोड फॉर ल्यूसिन यू सी यू कोड फॉर सेरीन तो इस तरह से क्रैकिंग ऑफ जेनेटिक कोड ऑन हुआ और इस कार्य के लिए इस कार्य के लिए आप देखते हैं इस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था जो है निरेनबर्ग निरेनबर्ग प्लस जो हर गोविंद सिंह थे हर गोविंद हर गोविंद खुराना जो थे खुराना इन दोनों को क्या दिया गया इनको नोबल प्राइज नोबल पुरस्कार दिया गया था इनको नोबेल दिया गया था नोबेल दिया गया था इस कार्य के लिए ठीक है भैया आया समझ में तो देखो एंजाइम का नाम ये एनसीआरटी में है सेवेरो ओकुवा एंजाइम सेवेरो ओकुवा एंजाइम एक पॉली न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम है जो आरएनए को स्वतंत्र रूप स्वतंत्र रूप मतलब आरएनए का एंजाइम संश्लेषण करता है टेंपलेट की निश्चित अनुक्रमों के साथ बहुलकीत होने में सहायता प्रदान करता है अर्थात आपको क्या याद रखना है अगर एनसीईआरटी की भाषा आपके समझ में नहीं आई है तो हम जो भाषा बता रहे हैं वो क्या है कि आरएनए पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया को उत्तेजित करने का कार्य करता है आरएनए पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है कि आरएनए के बहुलीकरण को मतलब ये डीएनए इंडिपेंडेंट याद रखना डीएनए इंडिपेंडेंट क्या है एक पॉलीमरेज एंजाइम है तो मैं इसके बारे में लिख सकता हूं आप क्या कह सकते हैं ये एंजाइम क्या है डीएनए डीएनए इनडिपेंडेंट डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आरएनए

मतलब तीन तीन के नाइट्रोजनी शार या न्यूक्लियोटाइड के समूह के रूप में पाए जाते हैं तो सबसे इंपोर्टेंट पहली बात जो है वो क्या है कि जेनेटिक कोडॉन्स कैसे होते हैं ट्रिप्लेट होते हैं त्रिककूट होते हैं त्रिककूट होते हैं ध्यान रखना राइट ट्रिप्लेट कूट होते हैं क्या मतलब है इसका आप समझ चुके हैं इसका मतलब आप जान चुके हैं तीन तीन के समूह में रहते हैं हमने बताया था और टोटल 64 बनते हैं जिसमें से तीन नॉनसेंस होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता निरर्थक कूट कहते हैं जबकि 61 जो होते हैं वो एमिनो एसिड को कूट लेखित करते हैं याद रखना ठीक है स्टॉप कोडोन के रूप में रोध कोट का मतलब होता है स्टॉप तो आपने देखा था टोटल जो कोड बने थे टोटल कोड बने थे कितने थे 64 कोड थे उन 64 कोड में 61 जो थे वो जो थे इनको तो हम क्या कहते हैं ये क्या करते हैं कोड फॉर कोड फॉर स्पेसिफिक स्पेसिफिक एमिनो एसिड एमिनो एसिड कोड फॉर स्पेसिफिक एमिनो एसिड और जो थ्री जो थे थ्री कोड जो थे 61 कोड तो ही होगा ये कैसे थे नॉन सेंस थे नॉन सेंस थे तो नॉन सेंस थे मतलब निरर्थक थे इसलिए इनको नॉनसेंस कह दो या निरर्थक कह देते हैं निरर्थक या इनको हम स्टॉप कोडॉन भी कहते हैं इनको हम क्या कहते हैं स्टॉप कोडॉन भी कोड भी कहते हैं स्टॉप कोडॉन या हिंदी में इसको रोधकूट कहते हैं मतलब जब ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा तो जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनती है उस दौरान अगर ये कोडोन आ जाते हैं तो ये किसी भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करते हैं और इसकी वजह से ट्रांसलेशन का प्रोसेस रुक जाता है इसीलिए इनको स्टॉप कहा जाता है important है वेरी वेरी इंपोर्टेंट है जो है नेक्स्ट वो क्या है ये असंदिग्ध और विशिष्ट होते हैं मतलब नॉन होते हैं नॉन एम्बीजियस होते हैं नॉन एम्बीजियस का मतलब क्या है कि एक एक इस बात को अच्छे समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट ये और एक अपाषित मतलब डी जेनरेट कोड का मतलब होता है डी जेनरेट कोड डी जेनरेट कोड ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है असंदिग्ध और विशिष्ट का मतलब क्या है कि एक कोड केवल एक ही एमिनो एसिड को कोडित करेगा एक कोड केवल एक ही एमिनो एसिड को कोड करेगा पहली बात ये और बहुत इंपोर्टेंट एक कोड एक जैसे यू यू है तो यू यू अगर ध्यान देना एक कोड है फिनाइल को कोड करता है तो फिनाइल एलानिन को ही कोड करेगा ठीक ये तो बात हो गई ये नॉन एमबीसी एम्बीजिनस होते हैं एमबीजीएस एमबीजीएस होते हैं और स्पेसिफिक होते हैं दूसरी बात डीजेनरेट कोड का मतलब क्या है कि एक एमिनो एसिड को एक एमिनो एसिड को एक से ज्यादा कोडॉन कोडित कर सकते हैं एक से ज्यादा कोडॉन कोडित कर सकते हैं जैसे यू यू विच इज कोड फॉर फिनाइल और यू यू सी विच इज ऑल्सो कोड फॉर फिनाइल ये भी कोई कोड करता है क्लियर हो गई बात ये कंटिन्यूस होते हैं ये कंटिन्यूअस कोड ऑन होते हैं कोड कैसे होता है कंटिन्यूअस ये लगातार पढ़े जाते हैं इनमें कोई कोमा वोमा नहीं आता है रुका रुकते नहीं है इसमें एक और इंपॉर्टेंट है और वो क्या है सार्वभौमिक यूनिवर्सल 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 सार्वभौमिक कहने का मतलब बैक्टीरिया से लेकर किसी भी वायरस वायरस के अंदर आप देखा जाए तो हम क्या कह सकते हैं कि सभी के अंदर ये एक जैसे होते हैं मतलब यू 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 अगर फिनाइल एलिन कोड करता है तो वो फिनाइल एलिंग को ही सबके अंदर कोड करेगा लेकिन इसका अपवाद है आप जानते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में अपवाद होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया आप देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया प्रकूट और कुछ जंतुओं जैसे आप देख सकते हैं प्रोटोजुआ में या प्रोट, जो प्रोटिस्ट होते हैं या फिर आप देखते हैं प्रो भी हो सकते हैं उनके अंदर आप यहां पर थोड़ा सा परिवर्तन देखते हैं और ये परिवर्तन इस तरह से है कि आप यहां पर देखेंगे कि ये कोड जो है ना ये इस तरह से होते हैं कि इनके अंदर वो यूनिवर्सल जो रूल है वो यहां पर खत्म होता हुआ दिखाई देता है जैसे मैं आपको कहूं यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको समझाऊं तो देखिएगा के स्तनी के माइटोकॉन्ड्रिया माइटो माइटो कॉन्ड्रिया स्तनी के माइटोकॉन्ड्रिया एवं ईस्ट में ईस्ट में यूजीए, ट्रिप्टोफेन ट्रिप्टोफेन एम्यूनो एसिड कोड करता है कोड करता है, जबकि वास्तव में देखा जाए तो जनरली ये UGA जो है ये एक क्या है, ये है, ये ये स्टॉप एक नॉनसेंस कोड है ये एक आप देखते हैं निरर्थक कूट है ये कैसा निरर्थक कूट है जो किसी एमिनो एसिड कोड नहीं करता जनरली, लेकिन मैमेलियन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में है ना स्तनी के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए एवं यीस्ट के डीएनए के अंदर आप देखते हैं यूजीए कोड फॉर किसके लिए कोड करता है ट्रिप्टोफेन एमिनो एसिड को कोड करता है समझ लो इनके अंदर ये कोड करता है किसको ट्रिप्टोफेन को कोड करता है जबकि आप देखते हैं दूसरी चीज इसके अंदर एजीजी और एजीए याद रखना जबकि आप देखेंगे जबकि एजीजी व ए, जी जी ए जी है। ये जो है ये किस रूप में होते हैं आप कहते हैं ये स्टॉप कोडोन के रूप में होते हैं मतलब नॉनसेंस कोडोन के रूप में होते हैं है ना तो याद रखना है इस चीज को कि ये एक्सेप्शन है किसका आप देखते हैं यूनिवर्सलिटी का सार्वभौमिकता का क्या है एक्सेप्शन है चलिए आगे नाउ नेक्स्ट बात करते हैं आनुवंशिक कूट जो होते हैं AUG, AUG का डबल रोल है दो कार्य हैं। पहला ये को तो कोड करता ही है साथ ही साथ ये इनिशिएशन कोडोन का भी काम करता है जब ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है स्थानांतरण अनुवादन की क्रिया होती है तो उसमें यह इनिशिएशन कोडोन के रूप में होता है प्रारंभन कोड के रूप में पाया जाता है आप टेबल देख सकते हैं है ना ये 64 जो कॉम्बिनेशन होते हैं उनको लेकर ये टेबल बनाई गई है बहुत आसान है बनाना कोई बड़ी बात नहीं है आपको बस एक चेकर बोर्ड बनाना है जिसमें आपको फोर फोर कॉलम रखने होते हैं चार कॉलम रखने होते हैं ये फर्स्ट रो है ये सेकेंड रो है और ये थर्ड रो है इसमें आपको यू सी ए जी सीक्वेंस फिक्स याद रखनी है यू सी ए जी और यहाँ इसके अंदर आपको ये बात याद रखनी है प्रत्येक में यू सी ए जी यू सी ए जी मैंने छोटा बना दिया था थोड़ा सा तो इसलिए आपको ध्यान रखना है इसके अंदर यू सी ए जी हर एक कॉलम के अंदर आता है इस तरह से कॉम्बिनेशन बन जा जैसे आप देख रहे हैं ना यू सी ए जी ये फिक्स कॉलम आपको याद रखना है तीन तीन के ग्रुप बन जाते हैं जैसे बन रहा है यू 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 सी यू ए यू यू जी है ना तो इस तरह से आप देखते हैं ये आप टेबल बना सकते हैं राइट अब इस टेबल के अंदर बीस एमिनो एसिड है इनके यहां पर कोड दिख रखे हैं मैंने ये किस तरह से इनको जैसे फिनाइल एलानीन पी एच ई है एल एल यू है आर है 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 एस आर वेलिन वी ए ना ना हिस्टिडीन एस्पार्टिक एसिड ग्लूटामाइन एलानिन मिथियोनिन प्रोलिन टाइरोसिन एस्पार्जिन ग्लूटेमिक एसिड है ना आइसोल्यूसिन ग्लाइसिन आर्जिनिन आर्जिन एंड सिस्टिन ये स्थिति आपको देखने को मिलती है ओके डियर आया समझ में ये तो ये एमिनो एसिड्स हैं और उनके जो है शॉर्ट नेम हैं